ऑडियो पी द्वारा हैंडीक्राफ्ट के कुशल कारीगरों को कुशल बनाने के लिए लगाए गए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का रविवार को समापन हो गया। इस मौके पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करने DIC की ओर से मुख्य अतिथि दीप नारायण पहुंचे। उन्होंने यहां लोगों को सरकार की उद्यमियों के लिए चलाई जा रही विशेष योजना ODOP के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें, एक जनपद एक उत्पाद ODOP की 10 दिवसीय ट्रेनिंग फेज गर्ल्स इंटर कॉलेज में कराई जा रही थी, जिसके समापन के मौके पर कॉलेज के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में महिलाएं पुरुष दोनों मौजूद रहे। इस बार संबल वीमेंस एसोसिएशन की अध्यक्ष शाजिया खान ने महिलाओं पर विशेष फोकस किया था। उन्होंने महिलाओं से ट्रेनिंग को ज्वाइन करने को लेकर काफ़ी मेहनत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी संख्या में महिलाएं इस बार ट्रेनिंग में सम्मिलित रहीं। शाजिया महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं घर पर हैंडीक्राफ्ट के काम में अपने पुरुषों का काफ़ी सहयोग करती हैं, इसलिए ट्रेनिंग देकर उन्हें और कुशल बनाकर टूल किट और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। वहीं संबल हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ताहिर सलामी ने कार्यक्रम के संचालन के साथ ही सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में लोगों को बारीकी से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों से कहा कि जो टूल किट दी जाएगी उसे खुद अथवा परिवार के ही किसी सदस्य के द्वारा प्रयोग में लिया जाना है। उन्होंने कहा कि आपने जो ट्रेनिंग यहाँ प्राप्त की है उसे उन तक पहुँचाना है जो कि इस क्षेत्र में अकुशल हैं। वहीं कमल कौशल वाष्णेय ने सभी लाभार्थियों को ट्रेनिंग कैंप में पूरा करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने कार्य में और दक्षता हासिल करें ताकि संबल के बनाए उत्पाद पूरे विश्व में मांग बनी रहे। वहीं अंत में मुख्य अतिथि दीप नारायण ने अपने संबोधन में जुनैद असलम और शाजिया खान के द्वारा ट्रेनिंग कराने में सहयोग पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ODOP योजना एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें 4 से 5 योजनाएँ शामिल हैं। एक योजना तो यही है जिसे टूल किट योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इस मौके पर हाजी शारिक, ताहिर सलामी, सुहेल परवेज, कमल कौशल वाष्णेय, शाजिया खान, जुबैर करीम अशरफ आदि लोग उपस्थित रहे। संबल से शाबिस खान की रिपोर्ट।